या बस निकल रही हूँ. अरे जस्ट गिव मी 5 मिनट्स. अरे आयशा बेटा रुक तो जरा. शादी से एक रात पहले तू जरा घर पे टिक के बैठ जा. ऐसे सच धज के कहाँ जा रही है तू? क्यों, सिड ने भी शादी से पहले बैचलर पार्टी की ना, तो मैं भी सौदामिनी और कुछ फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जा रही हूँ. माय बैचलरेट. मम्मी जी, इसकी पार्टी में अगर हम नहीं होंगे तो बेचारी को मजा कैसे आएगा? आयशा बेटा तू तो ऐसे कह रही है जैसे सौदामिनी के अलावा तेरा अपना और कोई सगा है ही नहीं. मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगी. हाँ मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, जरा तैयार होके आती हूँ. ओके मम्मी, आप कहाँ चलोगे? मैं जाके आती हूँ ना. अरे तू पूरे मजे कर लेना, आज नहीं रोकने वाली मैं तुझे. मैं आती हूँ भी तैयार होके. लेकिन मेरी बात तो सुनो. अरे मैं वहाँ पे आपको देखूंगी या पार्टी? आयशा डोंट वरी, एक काम करते हैं, मैं भी साथ चलती हूँ. मम्मी का ख्याल मैं रख लूंगी और तुम पार्टी एंजॉय करना. अब कल तुम्हारी शादी है, इतना तो बनता है ना? जल्दी चलिए, स्लो वॉक कर रहे दोनों. वाओ, व्हाट अ नाइस पार्टी यार, व्हाट अ ग्रैंडियर, बहुत प्यारा हॉल है. प्लीज थोड़ा डिसेंटली बिहेव करो. हाँ अरे मैं कहाँ इंडिसेंट बिहेव कर रही हूँ तुम्हारी पीकॉक पार्टी में. मम्मी जी पीकॉक पार्टी नहीं, मैंने कहा था आयशा की हेंस पार्टी. ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हेंस पार्टी. मुर्गी. थोड़ा धीरे. हाँ हाय आयशा. हाय हाय सौदामिनी. सॉरी सॉरी सॉरी. अरे भैया सुनो जरा, इधर तो आना, इधर आना. वो एक गुलाबी वाली वो छतरी है ना, गुलाबी छतरी, वो वाली ड्रिंक लेकर आओ. हाँ और उसमें नींबू थोड़ा ज्यादा डालना. हाँ वैसे भी बहुत महंगी बेचते हो और ऊपर से और कंजूसी करते हो. ये लो आयशा, यहाँ पे बुकिंग्स कितने मुश्किल से मिले. आई टोल्ड देम कि लिसन, मेरी फ्रेंड का ना लास्ट डे ऑफ फ्रीडम है तो हमें इसे बेस्ट जगह पे सेलिब्रेट करना है. देन दे गिव अस द बुकिंग. थैंक यू सो मच सौदाम, यू आर सच अ स्वीटहार्ट. सिट को क्या लगा सिर्फ वही मस्ती कर सकते? आज देख, आज हम सारी मस्ती करें. लिसन लेट्स गो एंड हिट द डांस. कम गर्ल. शादी वाला कार है, पकवान शकवान होने चाहिए कार में, मटियाई चटियाई. और यहाँ सूखे अंडे खा रहा हूँ मैं नमक के साथ. तो कोई नौकर ही नहीं पूछने वाला. और लानत है मुझ पे, लानत, डाहने तलवार लानत है. मामा जी आपकी वो महंगी वाली परफ्यूम था ना, और सब परफ्यूम शरफ्यूम कपड़े सपड़े सब मैंने भिजवा दिए आयशा के कार पे. बस ये बची है ये शर्ट पैंट, इसे भी उतार दूं. बस माफ कर दो ना, गलती हो गई मुझसे, सॉरी कह रहा हूँ ना मैं. अब कब तक सड़ते रहोगे? आपके भांजी की शादी है, अब तो गुस्सा थूक दो. और पहले बातों की तोपें चलाओ हैं, और फिर बाद में माफिया मांगो. और नहीं चाहिए मुझे तेरी सॉरी सूरी. मॉम मैं आज आपको बहुत मिस कर रहा हूँ. आज आपकी बेटी की शादी और मेरे साथ कोई नहीं अपना मेरा. आपने तो मुझसे कहा था कि आपके भाई हमेशा मेरे साथ रहेंगे, आज उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया. कोई नहीं मैं अकेला ही ठीक हूँ. मेरी किस्मत ही खराब है तो क्या कर सकता हूँ. बंद करिए ड्रामे, समझा? और दिल तो मेरा भी भरा हुआ है, अगर मैंने रोना शुरू किया ना तो मेरी स्किन ने खराब हो जाना है. चल माफ किया, तो लेकिन आगे से ऐसी बदतमीजी की ना तो देख लेना तू. हाँ नहीं मामा जी, अगली बार गलती नहीं करूंगा, सॉरी. अब तो गले मिल लो. अरे इतने पैसे, अच्छा ठीक है कंफर्म करिए. क्या यार 200 लोगों की केटरिंग
3000 रुपए प्लेट ले। बात है कोई, जस्ट वेस्ट योर मनी। अरे बट चॉइस ही क्या है बेबी, ओवरनाइट हमने डिसाइड किया कि शादी होनी है और ना हमें कोई लास्ट मिनट डील्स मिलने वाली। कपूर मैंशन में सबको बुलाएंगे तो यही तो होगा। बस तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, आयशा के पास पैसे है ना, वही तो दे रही है। हेलो, आयशा के पैसे नहीं है ये, राम के पैसे, बहुत मेहनत से कमाए हैं उसने, तो अगर ऐसे वेस्ट होंगे तो मुझे दुख लगेगा या नहीं? क्यों, सिड की फ्रेंड को भी तो तुम ही पैसे दे रहे थे ना, तब तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। पंडित जी एक बात, ये जो शादी आज आप कराने आए हैं वक्त की थोड़ी तंगी, जल्द से जल्द सब रस्मों के साथ कितनी देर में शादी होगी? देखिए जजमान, जो समय लगता है ना वही लगेगा। मैं कितना होगा? 3 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे में समाप्त कर दूंगा। जी देखिए, 2.5 घंटे भी हमारे पास नहीं है, कोई आधे घंटे वाली रस्मों वाली शादी कर दीजिए ना क्विक वाली। पंडित जी आजकल तो पिज्जा आ जाता है 30 मिनट में, आप प्लीज कुछ जल्दी कीजिए ना। पंडित जी हमारे पास 1 घंटा है, टेक इट ऑर लीव इट, वरना आप किसी और पंडित को बुला। देखिए 1 घंटा 45 मिनट, इससे नहीं, 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 आगे। पंडित जी 1.5 घंटा, ना आपकी ना हमारी, बस 1.5 घंटे में सब कुछ निपटा दीजिए। ठीक ठीक है बेटा, अब आप कह रहे हो तो ठीक होगी। अरे ये क्या लगा है तुम्हारे मुंह पे? चॉकलेट। चॉकलेट? पीहू और खुश ने जबरदस्ती खिला दिया मुझे। यार तुम भी ना उन दोनों के साथ खुद बच्ची बन जाती हो, तुम्हें चॉकलेट खाने की क्या जरूरत है? इतनी सी चॉकलेट खाई मैंने, बच्चों ने जिद की तो मना कैसे करती। बच्चों ने जिद की तो व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार, अभी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर डाइट। तुम्हें सिर्फ सेहत के लिए जो अच्छा है वो ही खाना चाहिए ना, जैसे कि पालक, मेथी, लौकी, टिंडा, करेला। मैं तुम्हारे लिए करेला ऑर्डर करूंगा। वन सेकंड, अगर मेरा चॉकलेट खाने का मन है तो मैं करेला क्यों? अरे मानने का मतलब क्या हुआ, तो मन बदलो यार, यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर कंडीशन। हम टाइम टेबल बनाएंगे ओके, हर रोज सुबह लौकी का जूस, उसके 2 घंटे के बाद फ्रूट एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। मैंने नेट पर से सब डाउनलोड कर। अरे वेट वेट वेट, अगली बार जब आप नेट पे ये सब रिसर्च करें ना तो पेरेंटिंग पे भी देखें। कहते हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के बर्थ को लेके इतने सीरियस होते हैं ना, उनके बच्चे भी सीरियस पैदा होते हैं। उनके चेहरे पे बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन होता है मिस्टर कपूर, जैसा इस समय आपके चेहरे पे, फ्राउन। यार देखो तुम हर बात में मजाक करती हो, ठीक है जो कर रहे करो, आज 1 पीस चॉकलेट खाए, कल 10 पीस खा लेना, परसों में पूरा ट्रक भर के चॉकलेट ले आऊंगा तुम्हारे लिए। ओहो क्यों सीरियसली ले रहे हो इतना, डॉक्टर ने मुझे कुछ खाने के लिए मना नहीं किया। वो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर ने सोचा कि तुम शायद थोड़ी सी अकल वाली हो। डॉक्टर को क्या पता कि अंदर से कितनी पागल हो तुम। What do you mean? सिर्फ देखने में सेंसिबल हूँ। पीहू के टाइम पे ना मैं सब कुछ खाती थी, चॉकलेट, आइसक्रीम, एवरीथिंग। यार एक तो ये बहुत गलत है यार, तुम हर बार में मुझे क्यों याद दिलाती हो कि जब पीहू पैदा हुई थी तो मैं वहां था नहीं। इट हर्ट्स यार। ओके सॉरी। और वो पीयू के टाइम में जो इतनी चॉकलेट आइसक्रीम खाई ना तुमने, उसी की वजह से पीयू आज इतनी इतनी क्या क्या पीयू इतनी क्या व्हाट? अरे कुछ नहीं, मतलब पीयू इतनी स्वीट है। करेक्ट। आइंदा किसी चीज को खाने के लिए रोकेगा मत मुझे। अरे ये देखो, ये प्रेगनेंसी के किताब में भी लिखा है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, खुद पढ़ लो। लिखा ना? कॉफी लिखा, चॉकलेट नहीं लिखा। शायद अब आपको ठीक से पढ़ने के लिए भी नहीं होता मिस्टर कपूर। देखिए। अच्छा तो कॉफी, चॉकलेट, एनीवे यार तुम्हें क्या जरूरत है चॉकलेट खाने की? तुम वैसे भी कितनी स्वीट हो पीयू की तरह। ओके नाउ मिस्टर कपूर, शादी के लिए तैयार होना, आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके 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 सॉरी यार, एक मैं ये लो, ये खुश। अभी तो आप मुझे एक टुकड़ा खाने के लिए भी रोक रहे थे, अभी पूरी चॉकलेट दे, कल शायद चॉकलेट्स का ट्रक भी ले आएंगे, है ना? ठीक है यार, अब तुम हर बात पे क्यों मुझे सुनाओगी यार, सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अभी अभी तुमने कहा ना, नहीं तो हमारा बच्चा भी फ्राउनिंग बच्चा पैदा होगा। थैंक्स, लेकिन आपको एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। अरे एक पीस भी नहीं? नहीं,
वो क्या है ना मिस्टर कपूर, थोड़ी बहुत रिसर्च नेट पे मैं भी कर लेती हूँ, और मैंने पढ़ा है कि मोटे लोगों को चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। अच्छा बस बस, हर चीज में मेरे मोटे होने का मजाक उड़ाती हो तुम। वैसे मेरे पास और कुछ है तुम्हारे लिए। अरे वाह, तो चांदी है मेरी, दिखाइए क्या लेकर आए। थैंक यू सो मच, लेकिन ओकेजन क्या है? मुझे अगर तुम्हें कुछ देना है तो किसी ओकेजन की जरूरत नहीं है, ओके? जब चाहो दे सकता हूँ, और वैसे भी ये इसलिए है क्योंकि आज तक हम दोनों ने मिलकर काफी बुरे और कड़वे दिन देखे हैं, लेकिन अब आज से नया दौर शुरू हो रहा है और आज से सिर्फ अच्छे दिन देखें। ऑनेस्टली मिस्टर कपूर, मुझे तो बीते हुए दिनों से भी कोई शिकायत नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि खट्टे थे या कड़वे वो दिन मैंने आपके साथ गुजारे। वो दिन वैसे थे तभी तो मीठे दिनों की कोई वैल्यू है, वरना तो फर्क ही नहीं पता चलता। बट एनीवे, थैंक्स अ लॉट। गुड। वैसे अब तुम वक्त पर दवाई लेना नहीं भूल सकते हो कि नाउ नो एक्सक्यूजेस, अब तो नई घड़ी दी है तुम्हें। एक मिनट, ये घड़ी आपने मुझे इसलिए तो नहीं दी कि मैं टाइम पे दवाई खा सकूं? यू आर इम्पॉसिबल मिस्टर कपूर। आपसे एक बात और करनी थी। पापा, आयशा और सिद्धांत की शादी में अब तक हमने जो कुछ भी प्लान किया उन्होंने हमारा साथ दिया, बट आज जब आयशा का एक्चुअल कन्यादान होना है उन्हें बहुत अजीब लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उन्हें कन्विंस करूं। प्रिया तुम टेंशन मत लो, मैं सुधीर जी से बात करूंगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दिस। बैठो राम। सुधीर जी, मैं कई दिनों से आपसे बात करना चाह रहा हूं लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कहूं। आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो पीयू का चेहरा देखा मैंने, कितनी मासूम लग रही थी वो, और मैंने सोचा कि क्या मैं सारी जिंदगी अपनी बेटी को हर बुरी चीज से बचा पाऊंगा। शायद नहीं। तब मुझे पता चला कि जब आप आयशा को देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं। आप इस वक्त शायद ये सोच रहे हैं कि हम सब क्यों आयशा की शादी सिड से करवाना चाह रहे हैं। सिड अच्छा इंसान नहीं है, हम सब जानते हैं, तो फिर क्यों? आप एक पिता हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि आयशा ने भी बहुत गलत किया। आयशा को उसकी किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, और फिर अगर आयशा और सिड की शादी नहीं होगी तो मेरे परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा। आप जानते हैं माँ, दादी, सौम्या, ऋषभ सब पर क्या गुजरा है, उन सब को इंसाफ मिलना चाहिए, और यही एक तरीका है, आप भी जानते हैं। अब मैं जानता हूं कि अगर मैं आपसे कुछ भी रिक्वेस्ट करूं तो आप मना नहीं करेंगे, फिर भी मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। अगर आपको कन्यादान नहीं करना है तो मत कीजिए। देखिए, आपको जो भी फैसला लेना है आप लीजिए, और हम सब आपके फैसले की पूरी इज्जत करेंगे, आई प्रॉमिस।
राम, कुछ तो अच्छा किया होगा बेटा मैंने जो तुमसे रिश्ता जोड़ा। तुम दामाद नहीं, बेटे हो मेरे। प्रिया, राम, बेटा मैं शादी में शरीक भी होऊंगा और कन्यादान भी करूंगा। थैंक यू पापा, लेकिन आप शादी में ऐसे जाएंगे कि? चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें निकलना चाहिए। हाँ बेटा, अभी तैयार हो गया तो। थैंक यू सतीश। चलिए मिस्टर कपूर। और ये ले पेन, और ये तेरे बाप ने देनी थी, मैं दे रहा हूँ। मामा जी आपकी आदत जाएगी नहीं, क्या कहा था आपने, सिर्फ पतलून बची है, ये कहाँ से है? ओए ये तेरी आयशा का माल नहीं है, ये मेरी बहन का है, स्वीटी का, तेरी माँ का। क्यों सीरियस है, मजाक कर रहा हूँ, आप भी ना। अच्छा ये छोड़िए, ये बताइए कि मैं दिख कैसे रहा हूँ? तो जैसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, कोई पहली बार दुल्हन के पास थोड़ी जा रहा है, वो पका पकाया रिश्ता है, बस रिश्ते को नाम दे रहे शादी। बारी बरसी खटन गया सी, वो खटके ले आंदा पजामा, पंगड़ा ता सजदा, जद नचे मुंडे दा मामा, पंगड़ा ता सजदा। क्या आ गया? क्या हो गया? तूने शादी का इरादा तो नहीं बदल दिया? नहीं मामा जी, कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ अजीब सी फीलिंग। दिल में? तो भाई साहब वो क्या हो गया? ओ भाई वो तबीयत अबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ अब समझा मैं, और तेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है कमीने? नहीं मामा जी, मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मेरे जैसा आदमी प्यार कर सकता, ये प्यार व्यार ये सब मेरे डिक्शनरी में नहीं था। तो देख देख वो आ गई मुझे बात समझ में, वो क्या है कल रात को ना तूने बहुत पी ली थी, कोई उसी का असर है। वो क्या था वो डॉक्टर डांसर, अरे वो जो भी थी वो इस लायक नहीं। मामा जी मैं आयशा की बात कर रहा हूँ, आयशा से। आयशा से? ओए जो इतने सालों में नहीं हुआ वो आज हो गया? हाँ मामा जी आयशा से प्यार हो गया। पता है मामा जी मैं बहुत कमीना हूँ, मुझसे ज्यादा कमीना कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन मामा जी आयशा ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़ी थी वो। कौन करता है ये सब? वो जो पागल होते हैं, बेवकूफ होते हैं, जैसा मैं हो गया हूँ सौदामिनी के चक्कर में, दीवाना मजनू रोमियो। अब तेरा क्या होगा? पता नहीं लेकिन कैसे हो गया ये सब, लेकिन हो गया। ओ चल कुछ नहीं, वो गहरी गहरी सांसें ले, एक दो तीन। जी मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे प्यार हो गया। वो कोई नहीं, लाइफ में एक बार इश्क भी होना चाहिए, वो इश्क होने से ना बंदा जवान हो जाता है और चेहरे पे रौनक आ जाती है। ये तो बहुत टैकी है, आई थिंक दिस इज बेटर। ये कलर बहुत अच्छा है, ऐसे भी तुम्हारे हाथ कौन देखने वाला है? क्यों नहीं, मतलब तुम्हारे सुंदर चेहरे से किसी की नजर हटेगी तब ना। बिल्कुल सही कहा सौम्या। आयशा जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें देर हो रही। भाई सब तैयार हो गए। अरे आयशा तुमने बाल बनाए ना, मेकअप किया, कर क्या रहे हो तुम लोग? ये दोनों तो तैयार है। माँ प्लीज आप हड़बड़ाओ मत, अब दुल्हन हूँ टाइम तो लूंगी ना। इतना ज्यादा टाइम भी मत लो आयशा कि पता चले मंडप से दूल्हा ही भाग गया। नताशा तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं हो? आई वुड बी वेरी हैप्पी। अब लड़ाई नहीं बाबा। आयशा बेटा जल्दी करना, मुझे तेरी नजर भी तो उतारनी है। माँ अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी से तैयार हूँ तो आप सबके सब मेरे सर से हट जाओ। हाँ 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 चलो भाई चलो। इसको समय
आई थिंक ये दुनिया की पहली शादी है जहाँ विदाई के वक्त ना कोई रोएगा नहीं. नहीं नहीं, रोएंगे लेकिन खुशी के आंसू होंगे. ये तुमने अंकल को मनाया कैसे? मैंने मनाया ही नहीं, मिस्टर कपूर ने मनाया. ओ हाँ. पता है कभी कभी मुझे ऐसे लगता है नेहा, मैंने दो आदमियों से शादी किया सच में. एक वो जो मेरा पति है, मेरा दोस्त है, और दूसरा वो जो पीहू का पापा है. आई नो व्हाट यू मीन. यू नो विक्रम भी बिल्कुल ऐसा ही है, कभी कभी इतनी स्टूपिड बातें करता है लेकिन ही इज़ एन एक्सेलेंट फादर. मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे बिहेव करूँ. मतलब जब मैं उन्हें पापा से बात करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है मुझे इनसे कभी लड़ना ही नहीं चाहिए. एंड सडनली यू नो. प्रिया ये क्या हो रहा है, तुम खड़ी क्यों हो यार? नेहा व्हाट इज रॉन्ग विद यू? इसको बैठने के लिए बोलो ना यार. सी व्हाट आई मीन? यस आई सी व्हाट यू मीन. बैठ रही बिठा रही हूँ. आराम से बैठिए, आराम से. क्वेश्चन दे दो. हैप्पी? खुश? बैठ गई? इसमें गुस्सा होने की क्या बात है यार, मैं तुम्हारे भले के लिए ही तो. बच्चों अभी तो शुरुआत है, तू आगे आगे देख प्रिया के साथ क्या क्या होता है और तेरे साथ. विक्रम तुम तो चुप ही रहो. ठीक है यार जा रहे हम. हाँ जाओ काम करो जाओ. पता है कभी कभी मुझे लगता है कि अच्छा है मिस्टर कपूर पीहू के टाइम पे मेरे आस पास नहीं, वरना मुझे उठने नहीं देते और मैं उनके साइज की होती अभी. राम एक बात बोलूं, वैसे शादी तो कर रहे हैं दोनों लेकिन ये काफ़ी नहीं, हमें एक लीगल प्रूफ चाहिए होगा. इसलिए मैंने राहुल को बोल दिया है कि वो इस पूरी शादी की फ़ोटोग्राफ्स लेता रहे और जैसे ही शादी ख़त्म हो वो फोटोग्राफ्स के साथ इन दोनों को ले जाकर रजिस्ट्रार में इनकी शादी रजिस्टर करा देते. थैंक्स यार. और कुछ मतलब कुछ बोले तो नहीं है? नहीं नहीं टेंशन मत ले. लीजिए आप बार बार एक दूसरे को बार माला. लड़के का गठबंधन के लिए. जी पंडित जी. इतना टाइट बांधे ना दोनों भाग नहीं पाएंगे कहीं. ये लीजिए अब आप दोनों गौरी गणेश की पूजा कीजिए. अब लड़की के माँ बाप कन्यादान के लिए आइए. ये लीजिए वर अपना दाहिना हाथ आगे करेगा और वधू अपना दाहिना हाथ आगे करेगी. अब आप वधू का हाथ वर के हाथ में देंगे. अब बाकी के फेरों के लिए बार आगे आएगा और बधू पीछे जाएगी. रुकिए पंडित जी. कुछ मेहमान आए खास में.
मैं कपूर। हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। What? अरे एक मिनट, ये कैसी गिरफ्तारी? हमने बेल पे निकलवाया है इसे। इनके खिलाफ नई FIR दर्ज हुई है। मैं आयशा शर्मा कपूर ने कंप्लेंट किया है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.